सो अगर आपको भी एक बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेनी है, वो भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड की, जो आपको जरूरत पड़ने पे बेटर आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर सके, स्पेशली स्मॉल टियर 2 टियर 3 सिटीज में, लेकिन यहाँ आप भी कंफ्यूज हो एलजी एंड सैमसंग 8kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में, स्पेशली जब इस सैमसंग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का हैविली पेड कैंपेन चल रहा है, जिसके बारे में मैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको एंड में दूंगा। बाकी एज ऑलवेज हम उनमें से नहीं है। हम आज इस वीडियो में हर एक फीचर, फंक्शन, परफॉर्मेंस, वॉश क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, ड्राइंग कैपेबिलिटी, कन्वीनियंस, आफ्टर सेल सर्विस एंड सो ऑन सब कुछ कवर करेंगे, जिससे आप बाय द एंड ऑफ द वीडियो इजीली डिसाइड कर पाओ कि कौन सी मशीन आपके लिए परफेक्ट रहेगी आपके नीड के अकॉर्डिंग। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस्ड फ्रेंड सुमित के साथ। सो फर्स्टली, किसी भी वॉशिंग मशीन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी मोटर, जो दोनों ही मशीन में बिल्कुल डिफरेंट है। सैमसंग में है यहाँ पे नॉर्मल बेल्ट ड्रिवन इन्वर्टर मोटर, एंड वहीं एलजी में है डायरेक्ट ड्राइव इन्वर्टर मोटर, यानी कि एलजी की मोटर सीधा ड्रम से अटैच है, बाकियों की तरह यहाँ पे कोई बेल्ट वाला सिस्टम नहीं है। एंड इसके रिगार्डिंग एलजी का कहना है कि इससे वाइब्रेशन एंड नॉइज बहुत कम हो जाएंगी, और साथ ही में ऐसा ही इनके यूजर्स का भी कहना है। एंड वैसे यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो ओनली मेरी या किसी इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल्स के एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं है। इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन एक्सटेंसिव रिसर्च पे बेस्ड है, फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज रिटेलर्स एंड नॉलेजेबल इंडिविजुअल कस्टमर्स। बाकी एडिशनली इस मशीन में 6D मोशन भी है, जिसमें बेसिकली होता यह है कि ये मशीन 6 टाइप की यूनिक मोशन प्रोड्यूस करती है, जिससे हैंड वॉशिंग के लेवल की जेंटल क्लीनिंग अपने क्लोथ्स को मिल पाए एंड क्लोथ्स भी बिल्कुल प्रॉपरली वॉश हो। और वैसे ये मोशन चाहे तो एक बेल्ट ड्रिवन मोटर भी अचीव कर सकती है, लाइक दिस IFB प्रीमियम मॉडल, बट यहाँ डायरेक्ट ड्राइव मोटर होने के वजह से LG इसे बेटर तरीके से ट्यून कर सकता है, एंड नो डाउट LG इज नोन फॉर इट्स इनोवेशन एंड रिफाइनमेंट। बाकी हम सैमसंग की बात करें तो इसमें नॉइस एंड वाइब्रेशन नोटिसिबली ज्यादा रहेंगी एज कम्पेयर टू LG एंड ऑल अदर ब्रांड्स, जिनको मैंने अपनी बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बट यहाँ आपका क्वेश्चन रहेगा कि क्यों, तो इसके पीछे के आंसर्स बिल्कुल सिंपल हैं। फर्स्टली यहाँ पे इसमें एक बेल्ट ड्रिवन मोटर है, जिसके वजह से हम फेयर कंपैरिजन के लिए इसे बेल्ट ड्रिवन मोटर वाली मशीन से ही कंपेयर करेंगे। सो इस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का ओवरऑल ड्रम सस्पेंशन सिस्टम इतना बेटर नहीं है। फर्स्टली इसमें नॉर्मल 2 स्प्रिंग 2 शॉकर सिस्टम मिलता है, जो यहाँ पे बॉश मशीन में 3 स्प्रिंग एंड 3 सस्पेंशन सिस्टम होता है। एंड एडिशनली इसका वेट भी काफी कम है, ओनली 65kg का, और वही बॉश का है अराउंड 72kg का, एंड IFP का है 75kg का। बाकी यहाँ LG मशीन का वेट भी ओनली अराउंड 64kg का है, बट इसमें एक डायरेक्ट ड्राइव मोटर है, जिसके वजह से हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। एंड वैसे अगर आपने वॉशिंग मशीन के रिगार्डिंग मार्केटिंग वीडियो के अलावा कोई वीडियो नहीं देखी है, तो ये सब चीजें कैसे इंटरकनेक्टेड हैं वो समझने के लिए आप इसे रिफर कर लो। बाकी यहाँ दोनों ही मशीन्स की हाईएस्ट स्पिन स्पीड है 1400 RPM की। यहाँ जितनी ज्यादा स्पिन स्पीड होगी उतनी ही बेटर ड्राइंग मिलेगी, और वैसे इनसे आपको यहाँ पे कंप्लीट ड्राइंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये यहाँ पे वॉशर है, वॉशर ड्रायर नहीं। देन इसके बाद सेकेंडली, इन दोनों ही मशीन में हमें स्टेनलेस स्टील ड्रम मिलते हैं, बस यहाँ पे इन दोनों मशीन का जो इनर टेक्सचर है वो डिफरेंट है, जिसके वजह से इनकी नेमिंग भी डिफरेंट रहेगी। लाइक सैमसंग यहाँ पे अपने ड्रम को बोलता है डायमंड ड्रम, एंड फिर ऑब्वियस सी बात, हर ब्रांड के अकॉर्डिंग उनके ड्रम के डिजाइन से आपको बेटर एंड जेंटल क्लीनिंग मिलेगी, बट मैं यहाँ इन जनरल इस डिपार्टमेंट में सबको इक्वली ही रेट करता हूँ। देन फिर नेक्स्ट, इन दोनों ही मशीन में बिल्ट इन हीटर मिलता है फॉर स्टीम वॉश, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 90°C फॉर सैमसंग मशीन एंड 95°C फॉर LG मशीन। देन फिर नेक्स्ट, यहाँ पे LG मशीन में है 14 वॉश प्रोग्राम एंड सैमसंग में है हाईएस्ट 22 वॉश प्रोग्राम्स। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ जनरली लोग अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ 4 या 5 गिने चुने वॉश प्रोग्राम ही यूज करते हैं, बाकी यहाँ पे ज्यादा वॉश प्रोग्राम होना एक गुड टू हैव फंक्शन तो है ही। और जो लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बाकी दोनों ही मशीन में हमें एसेंशियल प्री वॉश एंड ड्रम क्लीन फंक्शन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ LG मशीन में एक एडेड एडवांटेज है पॉज एंड ऐड फंक्शन का, जो सैमसंग मशीन में नहीं है, एंड नो डाउट ये फंक्शन काफी सिनेरियोज में काफी हेल्पफुल प्रूव होता है। देन फिर फिफ्थ, दोनों ही मशीन में ब्रांड AI वॉच का क्लेम करती है, लाइक हमारी मशीन AI का यूज करके आपके क्लोथ्स को ऑप्टिमाइज क्लीनिंग देंगी,
और एडिशनली एलजी मशीन क्लोथ्स के वेट के साथ साथ फैब्रिक सॉफ्टनेस भी डिटेक्ट करता है एंड उसके अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्टिमाइज क्लीनिंग करता है। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग एक्चुअली में इसके पीछे वर्किंग कैसी है, ये कैसे एक्चुअली में वर्क करता है, इसके रिगार्डिंग 100% इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं है। बट ये फंक्शनैलिटी इस सैमसंग मशीन में छोड़ के मेरी तीनों टॉप रिकमेंडेड मशीन में मिलती है एंड सैमसंग की भी टॉप टीयर मशीन में मिलती है। और एडिशनली एलजी मशीन में ऑटो इम्बैलेंस सेंसर भी मिलता है जो इंश्योर करता है कि मशीन में कभी भी क्लोथ्स का वेट एक साइड में ज्यादा हो के मशीन को इम्बैलेंस ना कर सके, जो फिर अगेन मुझे सैमसंग में मेंशन नहीं मिला। देन फिर सिक्स्थ, दोनों ही मशीन में सेल्फ डायग्नोस फीचर है एंड ये दोनों मशीन में ऐप बेस्ड सेल्फ डायग्नोस है जिसके वजह से हमें ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देन सेवेंथ, दोनों ही मशीन की इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर यूजेस आपके स्क्रीन पे शो हो रही हैं। एंड यहाँ पे एलजी के पास क्लियर एडवांटेज है, लाइक इसका वाटर कंजप्शन अराउंड 10% से कम है एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अराउंड 30% से। इनफैक्ट एलजी मशीन पूरे कैटेगरी में मोस्ट एफिशिएंट मशीन है। बाकी फिर एट्थ, सैमसंग पे यहाँ वारंटी है 2 years की कॉम्प्रिहेंसिव एंड हाईएस्ट 20 years की ऑन इट्स मोटर, और वहीं एलजी पे भी वारंटी है 2 years की कॉम्प्रिहेंसिव एंड 10 years की ऑन इट्स मोटर। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग किसी भी अच्छे ब्रांड में हमें उसकी मोटर की वारंटी बिल्कुल रेयरली ही यूज में आती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन से प्राइमरीली पीसीबी ही खराब होगी। इन जनरल वियर एंड टीयर से मैकेनिकल कंपोनेंट्स लाइक पुली एंड बॉल बेयरिंग पे ही इफेक्ट पड़ेगा, वाटर की हार्डनेस से ड्रम एंड उसके कनेक्शंस पे ही फर्क पड़ेगा एंड सो ऑन। बाकी एज ऑलवेज ज्यादा वारंटी होना गुड टू हैव एंड पीस ऑफ माइंड तो है ही। इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस दोनों ही ब्रांड्स की इक्वली गुड है ही। और वैसे यहाँ से आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो में प्रोवाइडेड डिटेल इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो आप लाइक एंड कमेंट करके मोटिवेट तो कर ही सकते हो, वरना मैं तो यही समझूंगा कि आपको भी यहाँ पे मार्केटिंग एंड वाइजली सिलेक्टेड मैनिपुलेटिव कंटेंट ही पसंद आता है। नाउ अब नाइन्थ, हम यहाँ पे कुछ यूनिक फीचर्स को कवर करें। तो फर्स्टली सैमसंग मशीन की जो रिसेंट ईयर में मेन यूएसपी रही है, जो सबसे ज्यादा वॉशिंग मशीन के न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है, विच इज वाईफाई कंपैटिबिलिटी। और जिसके भी साथ यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी जुड़ जाती है उसमें यहाँ पे एडिशनल कंफर्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, जिसे मुझे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लाइक ये आपके यूजर्स को सेंस करके आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देगा। हम इसको रिमोट स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं, रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं, टाइमर वगैरह एंड अदर फंक्शंस को भी कन्वीनियंसली यूज कर सकते हैं, एनर्जी कंजप्शन, वॉशिंग हैबिट्स, साइकल्स को इजिली ट्रैक कर सकते हैं एंड सो ऑन। देन फिर सेकेंड फीचर इज इको बबल टेक्नोलॉजी, विच मीन्स इसमें यहाँ पे एक सेपरेट बबल जनरेटर है जो अपने मशीन के ड्रम में वेल प्री मिक्स डिटर्जेंट सॉल्यूशन डिलीवर करके बेटर तरीके से फोम प्रोड्यूस करता है फॉर बेटर क्लीनिंग। एंड नो डाउट जेन्युइनली इससे बेटर तरीके से एंड फास्ट फोम प्रोड्यूस होता है, डिटर्जेंट काफी अच्छे तरीके से मिक्स होता है। देन फिर थर्ड, इस मशीन में स्टे क्लीन ड्रॉअर है जिससे डिटर्जेंट ट्रे का पूरा डिटर्जेंट बेस्ट वे में यूटिलाइज हो, एंड जनरली ये फंक्शनैलिटी हर मशीन में होता है। बाकी एलजी मशीन की बात करें तो वो मैं आपको हर स्पेसिफिक सेक्शन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लाइक कोर थिंग इन एनी वॉशिंग मशीन इज बेटर मोटर, लेस वाइब्रेशन एंड नॉइज, 6D यूनिक क्लोज मोशन, फैब्रिक डिटेक्शन, ऑटो इम्बैलेंस फंक्शन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी, पॉज एंड ऐड फंक्शन, बेटर बिल्ड क्वालिटी एंड सो ऑन। बाकी इन सब के अलावा हम प्राइसिंग की बात करें तो एज वी ऑल नो कि वॉशिंग मशीन की प्राइसिंग काफी फ्लक्चुएट होती रहती है, बट इन जनरल स्पेसिफिकली 8kg मशीन में हमें एलजी की प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू सैमसंग। इनफैक्ट सैमसंग मशीन इज द चीपेस्ट इन टॉप फॉर रैंकिंग। बाकी अब यहाँ से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको मेरे कंटेंट से हेल्प हुई है एंड आप इन्हें ऑनलाइन बाय करने का प्लान कर रहे हो तो आप अपनी कोई भी परचेस डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी एफिलिएट लिंक से कंप्लीट करके इस टाइप के कंटेंट को फ्री एंड मोस्ट इफेक्टिव वे में सपोर्ट कर सकते हो, जिससे हम बिना स्पॉन्सरशिप एंड बायस्ड हुए आपके लिए इससे बेटर कंटेंट ला पाए। बाकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपको एक रिकमेंडेड चीपेस्ट वाईफाई कंपैटिबल वॉशिंग मशीन लेनी है
तो सैमसंग मशीन आपके लिए ही है। और साथ ही में नो डाउट सैमसंग मशीन डिजाइन वाइज भी थोड़ी बेटर एंड एलिगेंट है, बट अदरवाइज एलजी इज अ बेटर ऑप्शन। एंड एडिशनली अगर आप हिस्ट्री, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी देखो तो अकॉर्डिंग टू माई करेंट मार्केट रिसर्च, फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते, बट प्रेजेंट टाइम में जो 4 ब्रांड्स में आपको फ्रंट लोड कैटेगरी में रिकमेंड करता हूँ उसमें सैमसंग यहाँ पे 4th पोजिशन पे है। लेकिन फ्रॉम प्रीवियस ईयर सैमसंग की थोड़ी हवा बदलने की कोशिश की जा रही है। Because of this Samsung heavily paid promotion campaign regarding their AI Eco Bubble technology front load washing machine, like इसके regarding almost हर YouTuber की paid promotion video ही है, from lifestyle channels to computer and also smartphone channels, including those also जो अपने आप को सच्चाई की मूरत बोलते हैं एंड अपनी videos में government की guideline आपको गिनाते हैं फॉर पेड प्रमोशन कंटेंट, क्योंकि इन सच वीडियोस कोई भी यहाँ पे वॉशिंग मशीन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज लाइक बिल्ड, वेट, वाइब्रेशन, स्मार्ट लॉन्ड्री सेंसर, मार्केट रेपुटेशन, एफिशिएंसी, competitions and so on जैसे points explain नहीं कर रहा। The primary discussion in all such videos are eco bubble technology, AI, Wi-Fi compatibility and other basic specifications। और वैसे इन सब के अलावा मैं ये नहीं बोल रहा कि Samsung machine अच्छी नहीं है। No doubt Samsung machine भी one of the best है अगर आपको budget में Wi-Fi compatibility चाहिए। Like इस specific category में मैं Samsung के अलावा कोई भी machine recommend नहीं करता। But जैसे कि ये एक comparison video है तो ये मेरी duty है कि मैं हर एक एस्पेक्ट को कवर करूं, क्योंकि वॉशिंग मशीन एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है एंड साथ ही में फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन एक प्रीमियम कैटेगरी है। एंड सैमसंग मशीन के लिए भी मेरी यही आशा रहेगी कि एक दिन ऐसा आए जब मैं यहाँ पे सैमसंग मशीन को भी ओपनली एंड लड़के रिकमेंड कर पाऊँ, लाइक जैसे मैं सैमसंग एयर कंडीशनर को टॉप 2 टीयर में रेट करता हूँ। बाकी दोनों ही मशीन की जेन्युइन सेलर एंड बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दी है। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आप कहीं कंफ्यूज हो तो आप इस फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने रिप्लाइज ले सकते हो।